बाखमुट को लेकर के लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि रूस बार बार यहां पर कब्जे की बड़ी बात कहता है, दावे करता है। एक और बड़ी खबर ये, रूस यूक्रेन युद्ध पर G7 में पीएम मोदी ने दिया है एक बड़ा बयान। इसके बारे में आपको बता दे, संवाद और कूटनीति ही समाधान का एकमात्र रास्ता है। वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि हमारा साझा उद्देश्य है, पीएम ने कहा है। किसी भी क्षेत्र में तनाव का असर सभी देशों पर पड़ता है। और साथ ही प्रधानमंत्री आगे कहते हैं कि युद्ध मानवता का मुद्दा है, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है, और साथ ही मौजूदा हालात राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं है। तो देखिए, जाहिर है कि इन बयानों से यही समझ में आ रहा है कि पीएम ने एक बार फिर से इस ग्लोबल मंच पर युद्ध खत्म करने की अपील की है, कि युद्ध से पूरी दुनिया को ही नुकसान झेलना पड़ रहा है, इसीलिए अब शांति वार्ता की पहल होनी चाहिए, युद्ध पर विराम लगना चाहिए। और हिरोशिमा से देखिए, हमारे सहयोगी गौरव अग्रवाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। गौरव, बार बार भारत की ओर से ये बातें दोहराई जा रही हैं, एक बार फिर से जब ग्लोबल मंच पर पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने शांति की ही बात की है कि युद्ध से पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है, युद्ध पर विराम लगना चाहिए। इन बातों को बाकी देशों ने कैसे लिया, क्या प्रतिक्रिया इस पर रही? बिल्कुल अंजलि, आपको ये प्रतिक्रियाएं बताऊं, उससे पहले एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा G7 समिट के लिए पूरा हो चुका है और अब वो पापुआ न्यू गिनी के लिए निकल चुके हैं। पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री रहेंगे, जहां उनके लिए बेहद खास इंतजाम किए गए हैं, 14 देश वहां पर आ रहे हैं। खैर, अब आपके सवाल पर आते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, पूरी दुनिया उसको कैसे देख रही है, आप इससे इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं अंजलि, कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग में कहा कि युद्ध को आप झेल रहे हैं, आपने युद्ध को हमसे ज्यादा देखा है, आप परेशान हैं उससे, और मानवीय आधार पर हम आपकी मदद करेंगे। भारत यूक्रेन को मानवीय आधार पर कुछ मेडिकल हेल्प करेगा, ये जानकारी भी हमें दी गई है। और अब जब प्रधानमंत्री वहां G7 समिट में थे, तब भी उन्होंने कहा कि यहां पर कैसे हमें यूक्रेन के लिए शांति का रास्ता खोजना चाहिए, शांति का हल, शांति से हल निकालना चाहिए। जो बाइडेन प्रधानमंत्री के पास आए क्वाड समिट में, जब उन्होंने कहा कि देखिए आपका कद कितना बढ़ चुका है, आप किस तरह से यहां दुनिया भर में मशहूर हैं, आप जून में हमारे पास आने वाले हैं और लोग हमारे पास आ रहे हैं कि आपसे मिलना है, आप मुलाकात करवाने का आपसे हमसे आग्रह कर रहे हैं। एल्बनीज कह रहे हैं यहां पर कि 20,000 लोगों की कार्यक्रम का हमने 20,000 लोगों की क्षमता वाला कार्यक्रम स्थल रखा है, वहां पर हमारी पूरी कैपेसिटी फुल हो चुकी है और मेरे पास रिक्वेस्ट लगातार आती जा रही है, आप इतने पॉपुलर हैं, जो बाइडेन उनसे ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। तो आप समझिए कितना इन्फ्लुएंस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्ल्ड लीडर्स में।